आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच चुनाव आयोग के द्वारा इस बार एग्जिट पोल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूँ आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावी रण में उतर गए हैं। इस बीच भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड समेत 16 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए मतदान के दौरान एग्जिट पोल के मामले में गुरुवार को एक आदेश जारी किया। इसमें निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रिंट या टीवी मीडिया 13 नवंबर की सुबह 7 बजे से 20 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल को ना तो छाप सकता है और ना ही टीवी पर चला सकता है। इस दौरान मीडिया इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी जिसका असर मतदान पर पड़ सके, चुनाव किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए चुनाव आयोग काफी सतर्क हो चुका है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। आयोग ने इसी दौरान देश के विभिन्न राज्यों में 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। सभी चुनाव और उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड समेत 16 राज्यों के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे। राज्यों में महाराष्ट्र, झारखंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ये चुनाव और उपचुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों के लिए होने वाले मतदान के बाद वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। तो ये है वो कारण जिसकी वजह से इस बार चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।